देख रहा, देखो बहुत सारे याक है, देखो सारी डॉट डॉट्स दिख रहे हैं ना, सब याक है। याक के चक्कर में मेरा याक हो जाता अभी, बहुत ज्यादा ठंडी है भाई, बहुत ज्यादा ठंड। हमें नीचे उतरना है, ओह ये क्या चीज़ है, कौन सी जगह, नॉर्थ कुल्लू। अच्छा नॉर्थ कुल्लू पहुंच गए, ये है नॉर्थ कुल्लू। यहाँ पे कहीं चेक ना हो यार कुछ, क्योंकि मेरा सामान मेरे पास है नहीं, वो मेरे दोस्तों के पास है। मेरे पास लाइसेंस वगैरह तो खैर मैंने उसे ले लिया था, बट मेरा परमिट नहीं है मेरे पास। तो परमिट मेरे को उनसे एक कॉपी तक एटलीस्ट लेनी ही पड़ेगी कि भाई कॉपी दे दो। आर्मी एरिया हो भाई, चलो यहाँ पे अगर मदद मिल सकती है अगर किसी को चाहिए हो तो। सिगरेट मिले सर, कुछ खाया है सुबह से? ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट किया है? इंतजार कर लेते हैं। जड़ौदा, जड़ौदा, आई एम फ्रॉम जड़ौदा। हाँ सर, अब किसी को पीटने तो आए नहीं होंगे, यहाँ पे हालत खराब होगी हमारी, कार दुंगला चढ़ के। दो दिन में ये कार दुंगला का ये ऐसा है ना, यहाँ पे पीछे भी बुरा है, इधर से जाओगे ना बेस कैंप से सियाचिन छटेंगे। हम सियाचिन जाने वाले हैं। अरे सर आपको तो माँ का है पैर आपके। मैं दिल्ली में पोस्टेड हूँ। दिल्ली में बीबीजी प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड। अच्छा प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड अभी आए। अरे भाई दिल्ली की नौकरी सबसे बढ़िया। नहीं, दिल्ली में प्रदूषण मारे हुए पता है कितना। प्रदूषण रिलैक्स है ना, कैंट एरिया तो ठीक है। हाँ कैंट एरिया, कैंट एरिया ठीक है। तो इधर कहाँ तक जाओगे? तो कैसे आगे कुछ डायवर्जन है क्या? स्ट्रेट रोड है? स्ट्रेट रोड नहीं है, वो कह रहे थे काफी टफ रोड है। नहीं नहीं टफ तो ठीक है, पर ऐसा डायवर्जन नहीं है ना, सीधा सीधा। हाँ। अब हमें नहीं पता सर, हम भी तो जाके देखेंगे गूगल मैप। गाइस मैं खारदुंगला के पास एक जगह रुका हूँ थोड़ा खाने के लिए, भूख लग रही है। गाइस बाकी बंदे वेट कर रहा हूँ और यहाँ पे लड़ाई चल रही है। बाकी मेरी बाइक यहाँ पे और मेरी मैगी आ गई है। मेरी कहाँ बैठू, अंदर जगह नहीं है। बर्फ देखो कैसे गिर रही है। दोस्त उतरा कहाँ है? मैं तो 17,982 फीट पे हूँ। तो गाइस अभी खारदुंगला से उतरने के बाद तो अच्छी रोड मिल रही थी, बट
ओह माय गॉड, एक नॉर्थ पुल्लू की तरफ जब आए तो भाई एक खतरनाक रोड मिल रही है। पिछले 10 किलोमीटर से तो चल ही रही है ये, काम बनता आ रहा है, अगले साल शायद ये बनी मिले। और इस साल यार ये हमारे स्वागत के लिए एकदम वाह फैलाए बैठी है। ओह हाथ दुख गए यार बहुत ज्यादा। इतने ज्यादा बम्स मेरी, एक बात कहूंगा, चलता रोड है, जो चलता रोड होता है तो टेंशन कम होती है। मेरे भाई भी पीछे आ गया, एक बाइकर रोहित पीछे आ गया, बाकी दोनों गए हुए फिर से। पता नहीं कितनी देर तक आएगा ये सब पैच। बाप रे बाप, लद्दाख इज ऑन, लद्दाख इज ऑन। क्या हुआ, क्या हुआ, वहां रुकते हैं आगे। वो भाई तो गायब भी हो गया। वो ये सही जगह नहीं है यार, सही जगह नहीं है रुकने के लिए। क्या बोलता है, वो निकालेंगे कैसे, हुए घुमा लेंगे वहां से। अरे ले लेंगे यार, ले लेंगे। अपडेट, खलसर तक भैया बहुत बेकार रोड थी, अब थोड़ा सा पैच अच्छा आया है। जो नॉर्थ पुल्लू की तरफ का रोड है खाड़दुंगला से नुब्रा वैली की तरफ, भैया बिल्कुल ही घटिया रोड है। हाथ अभी भी कांप रहा है मेरा, दर्द कर रहा है यार हाथ सीरियसली। अब जाके थोड़ी अच्छी रोड आई है, ये ऐसा लग रहा है कि कहीं ये खत्म ना हो जाए। वाह बड़ी अच्छी रोड है। और ये नजारे, सारे बंजर पहाड़ है, सुबह सारे बर्फ से ढके हुए थे, कुल्फी जम रही थी, अब गर्मी लग रही है। इधर के पहाड़ में है थोड़ी बर्फ, ये कोई वैली है, कौन सी वैली है नहीं पता, चलिए ज्यादा जल्दी। इधर जंगल है देखो, इधर पूरा रेगिस्तान, बीच में एक नदी, इधर जंजर पहाड़, अच्छी दुनिया आई। ध्यान रोड पे देना पड़ेगा, वरना मैं किसी और दुनिया में चला जाऊंगा।
ओह माय गॉड, ये मेरा बनेगा थंबनेल मेरी वीडियो का। भाई तू मेरे पास मत रुका कर, पिछली बार एंड बाइक गिरी थी, इस बार तू ही गिरा है। रील बनाई मेरे तो नीचे रील बन गई वहां पे। क्या हेलमेट उतार के बनानी है रील? तेरी मर्जी। क्या जो कटाया था ना, मैप चल रहा है, मैप कटाया था उधर से सारा रास्ता। तो गाइस अभी हम खलसर के पास है, 1-2 किलोमीटर है, और ये प्यारी सी वैली आई है जो ओपन हो गई है। बीच में एक आध घर दिख रहे हैं वहाँ पे, और सारा हरियाली है, एक स्पॉट है वैसे हरियाली का, दैट्स इट। बाकी पूरा देखो बंजर पहाड़ है, बंजर पहाड़ सिंपल। उफ, वहां जो लोग रहते होंगे मैं उनको लकी कहूँ कि अनलकी कहूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है। Come on, man. तो गाइस एक जगह थोड़ा ब्रेक लेने के लिए रुके हैं पानी का, एंड सी वेदर क्या सारी बाइकें खड़ी है। ये रोहित भाई की, फर्स्ट रोहित भाई की, ये मेरी, ये शिवम की, और ये वो इतना नाम क्या है, नाम भूल गया इसका, नाम क्या भाई का, आकांश या कांच नजारा कुछ ऐसा है। भाई गजब ही है, इस वीक लिए तो सुबह से ऐसी ऐसी करवा के आए हैं। स्ट्रीम है,
और लोग उसमें मस्ती कर रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं। और यहाँ देखो मिट्टी का पहाड़ टूट रहा है यार ये तो। हाँ खड़ी कर दी, पहाड़ ऊपर गिर जाएगा गाड़ी के। स्ट्रीम बिल्कुल बगल में आ गई है, हम चढ़े अभी तो। क्या रिस्कित की होते आ रहे हैं सुंदर। इस सुंदर में आने में ना घाट लग गई है। छोटा सा रास्ता था मगर रोड इतना खराब था, और बीच में था माइटी गाड़ दूंगा, उसने तो मेरी बात लगा दी। उसको उस पर चढ़ने में मेरे को इतनी दिक्कत नहीं हुई, एवरीथिंग वाज वर्किंग एब्सोल्युटली फाइन, बिकॉज पावर की कोई कमी नहीं थी, ऑक्सीजन का कोई इश्यू नहीं था। बाइक को ठीक, बाइक को मैं अपनी बात कहूँ तो भाई मेरी तो ऑक्सीजन ही खत्म हो गई थी शरीर की, मैं तो सिलेंडर निकालने में भरा था ऑक्सीजन का। उसके बाद एक भाई मिल गया मेरे को, वो भी दिल्ली से ही था, बट अनफॉर्चुनेटली उसे कनेक्शन नहीं हो पा रहा है क्योंकि वो बहुत आगे चला गया शायद, मैं इनके लिए रुक गया था। सो उसने मुझे डायमोक्स दे दी, मैंने डायमोक्स खाई, तब से तो ठीक ही चल रहा है। और ये पता नहीं डायमोक्स से हुआ है या मैं ऑल्टीट्यूड डाउन कर लिया था उस वजह से हुआ है, पर यार जो भी है थोड़ा आराम है। ऊपर से मैंने पानी आज खूब पिया है, एटलीस्ट 1.5 लीटर 2 लीटर तो अब तक मैं पी चुका हूँ, बाकी 2 दिन में भी नहीं पिया होगा ना शुरू के, जिससे मेरी इतनी बुरी हालत हुई ना, गलत हुई है, मेरी गलती से हुई है। तो भाई एक बार ध्यान रखना भैया, जब भी आप इस तरफ आओ भाई पानी की बोतल आपके हाथ में होनी चाहिए, कैमरा हो चाहे ना हो, सेल्फी स्टिक हो चाहे ना, यू शुड हैव योर वाटर बॉटल विद यू। और ये भयानक सा रोड और ये शानदार पहाड़, ढेर सारे बादल, हम उस पर से नहीं जा सकते। क्या हुआ पहाड़ में बनना, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, पीछे ही तो है। और ये ज्यादा दिमाग चलाते हुए क्या हुआ, बिस्किट घूमते हुए चलते हैं ना हैं? बिस्किट ये जो मॉनेस्ट्री है, ये गोम्पा जो है, ये घूमते हुए चलते। कहाँ है? आधा घंटा लगेगा बस। कहाँ है ये? तो रहा पीछे बुद्धा का स्टैचू जो बिस्किट में फेमस है, 120 फीट की जो बुद्धा की स्टैचू है, इसको घूमते हुए चलते हैं। कितनी दूर है यहाँ से वो? क्या हुंडर हुंडर होगा यहाँ से 10-12 किलोमीटर 11 किलोमीटर है। हाँ। रूम पे चल के सामान रख के ढंग से नहीं घूम सकते, सामान लदा रहेगा, वापस आ जाएंगे, कैंपिंग तो करनी नहीं अब तो। फिर या नहीं चलो सामान हटा देंगे ना, फिर डबल आ जाएंगे। तो अभी रुकना कहाँ पर है, हुंडर में यही डिस्किट में? हुंडर में रुकेंगे नहीं, जब रूम ही लेना है तो यहीं पास में ही ले लेते हैं ना, वहाँ घूम के यहाँ आ जाएंगे, सुबह निकलने में भी अपने को इजी रहेगा 10 किलोमीटर पहले। और क्या, ये भी सही है ना। हेलो हेलो गाइस फ्रॉम दिस किट, एक्चुअली मैं आज हुंडर जाना था बट वहाँ गई नहीं क्योंकि प्लान मेरा कुछ कैंपिंग का था वहाँ पे, बट कैंपिंग का हो नहीं पाएगा, मूड नहीं है यार आज कैंपिंग करने का। तो फिर जब कैंपिंग करनी नहीं है तो हुंडर जाके रुकना, क्योंकि कल सुबह हमें यहीं से जाना वापस पेंगोंग के लिए, तो यहीं कर लिया। अभी जा रहे हैं हम, फ्रेश हो गए हैं, नहा धो लिए हैं और यहाँ से जा रहे हैं हुंडर। हुंडर जाके थोड़ा एंजॉय करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, कुछ खाएंगे पियेंगे, देन वी विल कम अगेन एंड सी देयर। वहाँ ऊपर जाएंगे तो चलिए।